नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 का 11वां मैच नामीबिया और आयरलैंड के बीच खत्म हो चुका है और दोस्तों ये मैच जो है वो नामीबिया की टीम ने जीत लिया है। इस जीत के साथ ही दोस्तों नामीबिया की टीम ने सबको चौंकाते हुए सुपर 12 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पर दोस्तों आयरलैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 से बाहर हो गई है। तो दोस्तों 11वें मैच के बाद ग्रुप ए का पॉइंट टेबल कैसा नजर आ रहा है, इसके अलावा दोस्तों कौन सी वो दो टीमें रहेंगी जो कि ग्रुप ए से क्वालिफाई कर गई है सुपर 12 स्टेज के लिए, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको T20 वर्ल्ड कप इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो दोस्तों ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल पे नंबर एक पर है श्रीलंका की टीम, जिन्होंने दो मुकाबले खेले हैं और दोनों मैचेस जीते हैं और इनके पास तो सबसे ज्यादा 4 पॉइंट्स है। वहीं अगर इनके नेट रन रेट की बात की जाए तो वो है प्लस में 3.165। इसके बाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल पे नंबर दो पर है नामीबिया की टीम, जिन्होंने अपने सभी तीनों मुकाबले खेल लिए हैं जिसमें से दो मैचेस जीते हैं, एक में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और टोटल इनके पास 4 पॉइंट्स है। वहीं अगर इनके नेट रन रेट की बात की जाए तो वो है माइनस में 0.523। इसके बाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल पे नंबर तीन टीम है आयरलैंड की टीम, जिन्होंने अभी अपने सभी तीनों मुकाबले खेल लिए हैं जिसमें से उन्होंने सिर्फ एक मुकाबला जीता, दो में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और इनके पास मात्र 2 पॉइंट्स है। वहीं अगर इनके नेट रन रेट की बात की जाए तो वो है माइनस में 0.853। उसके बाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल पे आखिरी स्थान यानी कि चौथे स्थान पर है नेदरलैंड्स की टीम, जिन्होंने दो मुकाबले अभी तक खेले और दोनों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इनके पास 0 पॉइंट्स है। वहीं अगर इनके नेट रन रेट की बात की जाए तो वो है माइनस में 1.240। इसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड और नेदरलैंड्स की ये दो टीमें ऐसी हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 से बाहर हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों नेदरलैंड्स का एक मैच बचा हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट जो कि अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इनमें इस ग्रुप से दोस्तों दो टीमें कन्फर्म हो चुकी हैं जिन्होंने सुपर 12 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वो है दोस्तों श्रीलंका और नामीबिया की टीमें। श्रीलंका की टीम दोस्तों पॉइंट्स टेबल पे नंबर एक पर ही फिनिश करने वाली है, क्योंकि अगर वो अपना आखिरी मुकाबला नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हार भी जाते हैं फिर भी दोस्तों उनका नेट रन रेट इतना ज़्यादा हाई है नामीबिया से कि वो पॉइंट्स टेबल पे नंबर दो पर नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों अब ये चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं कि श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर एक पर ही फिनिश करेगी, वहीं पर दोस्तों नामीबिया की टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर दो पर ही फिनिश करने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से नामीबिया की टीम ग्रुप टू को ज्वाइन करेगी जहां पर इंडिया, पाकिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें हैं और श्रीलंका की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पे नंबर एक पर रहकर ग्रुप वन ज्वाइन करेगी जहां पर वो भिड़ेगी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के साथ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पॉइंट्स टेबल आपको ग्रुप ए का नजर आ रहा है नामीबिया और आयरलैंड के मैच के बाद। फ्रेंड्स वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल पर T20 वर्ल्ड कप इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स लगातार मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।